इंस्पेक्टर साहब, यहाँ हमारा बच्चा खो गया है, हम लोग इतने परेशान हैं, बहुत उसके मम्मी की रो रो के हालत खराब है, और आप है कि बच्चे को ढूंढने के बजाय सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। देखिए मैडम, क्या देखिए, हाँ क्या देखिए, आप जरा अपने वाइफ को समझाइए। ये मेरी वाइफ है। भगवान ने मुझे भी कान दिए। तो वापरो। क्या हुआ बाबूजी? स्क्रू ढीला हो गया है। किसका? काम करता हूँ मैं, 10 मिनट सो जाता हूँ, फिर मेरे खर्राटे की आवाज से मैं उठ जाऊंगा। सोडा पिया कि नहीं? पी रहे। और कितनी बाल्टी पियोगे? चलो आ रहा हूँ। और मेहता साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, सूरज अस्त, हम सब मस्त। दिन भर बाहर घूमते रहते हैं, रात में भी घर में पैर नहीं टिकता। ऐसा मैं नहीं, अंजलि भाभी कह रही थी। मैंने सोचा दया भाभी के हाथ की कड़क मसालेदार चाय पी लेता हूँ। वैसे भी गोकुलधाम सोसाइटी में आपसे बढ़िया चाय और कोई नहीं बनाता। नहीं चाचा जी, पता नहीं, मैं सोसाइटी में और किसी के वहाँ चाय पीने नहीं जाता। मुझे भी नींबू के अचार का ऑर्डर देना था। अच्छा, कितने टन? आप भिड़े, आम की तारीफ करने के लिए फोन किया कि नहीं? हाँ भाई, हाँ। अरे भाई, रत्नागिरी के आम की बात ही निराली है, उसपे तारीफ क्या करने की? नहीं नहीं भाई, फिर भी तो तारीफ सुननी पड़ेगी तुझे। तारीफ सुनाओ सुनाओ। सारे के सारे आम तेरे दिमाग की तरह सड़े हुए निकले। तू मार। वैसे भी तुझे ऑफिस में कुछ काम तो होता नहीं है, लेकिन भाई सब मक्खियां मत मार देना, थोड़ी बच्चा के घर पे लेके आना। जेठालाल, घर पे लेके जाना मतलब? अरे घर पे भी शादी नहीं हुई तो फ्री बैठा रहता है ना, तो घर पे थोड़ी मक्खी मारा करेगा।